नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने योगी सर के साथ योगी की पाठशाला में। अल्कोहल फिनॉल्स की सीरीज खत्म हो चुकी थी। ईथर्स को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाना चाहता हूं जो सीबीएसई के पेपर में 1 से 2 मार्क का आता ही आता है। सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, एक तो आप लोगों को कन्वर्जेंस की असाइनमेंट मिल चुकी है, प्लीज उसको बहुत अच्छे से कर लेना। अल्कोहल फिनॉल्स की असाइनमेंट भी मिल चुकी है, उसको भी कर लेना, ठीक है। आज का लेक्चर है हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। मतलब आज के लेक्चर में हम लोग अल्कोहल्स, मतलब पहले विद इन अल्कोहल्स के आपको 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल दिया हुआ है, उसको कैसे डिस्टिंग्विश करना है, या किसी अल्कोहल के साथ फिनॉल दे रखी है उसको कैसे डिस्टिंग्विश करना है। मतलब आज का लेक्चर इस चैप्टर से बनने वाले जितने भी डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश दीज कंपाउंड्स केमिकली। मैं बहुत टाइम से जब से पढ़ा रहा हूँ, 4-5 साल हो गए प्रोफेशनली इस चीज में, तो मैं ये देखता हूँ बच्चे सिर्फ टेस्ट का नाम लिख देते हैं और टेस्ट की रिएक्शंस नहीं लिखते। तो आज का लेक्चर आप लोगों को वही चीज सिखाने के लिए है कि कल को अगर आप लोगों को 2 कंपाउंड्स दे दिए जाएं तो उनको कैसे डिस्टिंग्विश करा जाए, उसको कैसे लिखा जाए, उसको कैसे प्रेजेंट करा जाए। तो सबसे पहले आज हम लोग इसी चैप्टर के डिस्टिंग्विश पढ़ेंगे। ईथर्स पे चलने से पहले इस चैप्टर के जितने पॉसिबल डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं उनको खत्म करेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सबसे पहले अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। मतलब आप लोगों को एक कंपाउंड अल्कोहल दिया हुआ है, दूसरा कंपाउंड फिनॉल दिया हुआ है। अल्कोहल कोई भी अल्कोहल हो सकती है, एनी अल्कोहल। मतलब आपको बोल दिया कि एक फिनॉल है, साथ में कोई भी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, इथेनॉल है, प्रोपेन 1 ऑल है, प्रोपेन 2 ऑल है, 2-मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल है, 3 डिग्री की अल्कोहल है, कैसी भी अल्कोहल को किसके साथ मैंने डिस्टिंग्विश करना है, फिनॉल के साथ। तो आप लोग कौन से टेस्ट लेंगे, मतलब कल को अल्कोहल्स का कंपटीशन फिनॉल्स के साथ आ जाए तो आप लोग कौन से टेस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को टेस्ट के नाम बता देता हूं। हम लोग 4 टेस्ट कर सकते हैं यार। कितने टेस्ट कर सकते हैं यार, हम लोग 4 टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला बेसिक टेस्ट, और ये आप लोग अपनी क्लास 11th में लैब्स में भी कर चुके हो, दैट इज योर लिटमस टेस्ट। मैं सिर्फ आज जर्नल सीबीएसई में होने वाले टेस्ट पे बात कर रहा हूं जो आप लोग बोर्ड्स में क्लिक कर आओगे। तो ये लेक्चर सबके लिए इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल बच्चों के लिए भी और जेई वाले बच्चों के लिए भी, ठीक है, लिटमस टेस्ट। दूसरा टेस्ट हम लोग कर सकते हैं न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, ठीक है। तीसरा टेस्ट अगर मैं करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं आप लोगों का कपलिंग रिएक्शन टेस्ट। कौन सा टेस्ट यार, कपलिंग रिएक्शन टेस्ट। और चौथा टेस्ट है आप लोगों का ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों को मैंने टेस्ट के नाम बता दिए। अब बच्चे क्या करते हैं, अब कल को क्वेश्चन आता है, सवाल आया हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड फिनॉल। तो बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ सिर्फ नाम लिखकर आ जाते हैं। आप लोगों को नाम नहीं लिखना है, आप लोगों को सबसे पहले तो ये चीज समझो, वो टेस्ट प्रिफर करना जिसकी आप लोग रिएक्शन लिख सकते हो। मतलब टेस्ट का नाम और दोनों ही कंपाउंड्स के साथ उसकी रिएक्शन करा के दिखानी पड़ेगी, तब जाके आप लोगों को पूरा स्कोर मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले इन 4 टेस्ट में डिस्टिंग्विश करेंगे, मतलब अल्कोहल्स और फिनॉल्स को यूज करेंगे इन 4 टेस्ट में, ठीक है, कि यार अल्कोहल्स क्या बिहेवियर दिखाती है इस टेस्ट के साथ और फिनॉल्स कैसे, डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं ना, तभी आप लोग इनको केमिकल टेस्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो आइए सबसे पहले लिटमस टेस्ट पे बात करते हैं। बहुत अच्छे से हमें पता है कि फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन योर अल्कोहल्स। ये बेसिक आइडिया पता है ना कि फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन योर अल्कोहल्स। तो लिटमस टेस्ट में अगर मैं फिनॉल्स की बात करूं
दूसरी किसकी बात करूं मैं, अल्कोहल्स की। तो याद रखना आप ऐसे ही लिख कर आओगे अगर आपको डिस्टिंग्विश आया थ्रू लिटमस टेस्ट। कैसे लिख कर आओगे? फिनॉल्स में जब आप लोग क्या डालोगे, लिटमस चाहे लिटमस सॉल्यूशन डाल लेना ठीक है, या लिटमस आप लोगों ने क्या करा, पेपर डिप कराया। आप लोगों ने लिटमस पेपर डिप करा कौन सा, ब्लू, क्योंकि आप लोगों को पता है फिनॉल्स का एसिडिक नेचर होता है जिसकी वजह से ये किस में टर्न करेंगे, ब्लू लिटमस रेड में टर्न करेंगे। और अल्कोहल्स नो लिटमस चेंज दिखाएंगे, अल्कोहल्स के अंदर कोई भी लिटमस का चेंज नहीं होगा। पहला टेस्ट शायद आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया कि अगर लिटमस से डिस्टिंग्विश करना है तो इट टर्न्स ब्लू लिटमस टेस्ट ड्यू टू इट्स एसिडिक नेचर। अल्कोहल्स उतनी ज्यादा एसिडिक नहीं होती कि वो लिटमस पे अपना एक्शन दिखा सके, ठीक है। तो जनरल पहला पॉइंट आप लोगों का क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट याद करो, मैंने फिनॉल्स की रिएक्शन न्यूट्रल FeCl3 के साथ करा दी थी इन मिसलेनियस रिएक्शन। इससे लास्ट लेक्चर में अगर आप लोग देखोगे तो मैंने न्यूट्रल FeCl3 के साथ बताया था कि न्यूट्रल FeCl3 फिनॉल के साथ एक करेक्टरिस्टिक वॉयलेट कलर देता है, मतलब आपकी फिनॉल्स की करेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। फिनॉल्स की भी बताई थी और आपकी जितनी इनॉल्स होती हैं, मतलब एक कार्बन पर डबल बॉन्ड और OH, न्यूट्रल FeCl3 के साथ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देते हैं जिसमें फिनॉल आपका वॉयलेट कलर देती है। तो ये चीज यूज करके आप एक टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी अल्कोहल है दिया हुआ कंपाउंड या फिनॉल है, मतलब दो टेस्ट ट्यूब्स हैं अगर आपके पास तो कौन सी अल्कोहल है और कौन सी फिनॉल है, आप ये आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं यूजिंग न्यूट्रल FeCl3। आइए रिएक्शन देखते हैं यार इसकी, ठीक है एक मिनट रिएक्शन देखते हैं इसकी, ठीक है लिटमस टेस्ट हो गया। अब देखते हैं न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। कहते हैं न्यूट्रल FeCl3 में आप लोग क्या करेंगे, फिनॉल लेंगे। ये रिएक्शन लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं फिर हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, बिना रिएक्शन के आप लोगों को टेस्ट में पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। प्लस हमने क्या डाला यार, फ्रेशली प्रिपेयर्ड न्यूट्रल FeCl3। ये क्या बनाता था, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता था H3FeOC6H5O से जुड़ेंगे, कितने कोऑर्डिनेट होंगे 6Fe+3HCl। अभी के लिए इस कंपाउंड को ऐसे ही याद कर लिया जाए क्योंकि ये एक करेक्टरिस्टिक टेस्ट है फिनॉल का और इस कंपाउंड का कलर वॉयलेट है। कंपाउंड ऐसे कैसे बनते हैं, एफ ने एफ ई ने कैसे 6 वैलेंसी दिखाई, ये क्या करा, ये सारे कैसे कंपाउंड बना, इन सारे थॉट्स को भी साइड रखना, कोऑर्डिनेशन में सारी चीजें आप लोगों को क्लियर करूंगा, ठीक है। अभी के लिए क्या, व्हेन फिनॉल्स आर ट्रीटेड विद, बैलेंस करना है तो ये बैलेंस हो गई। व्हेन फिनॉल्स आर ट्रीटेड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड न्यूट्रल FeCl3 दे फॉर्म वॉयलेट कलर कंपाउंड्स। और आप इसकी रिएक्शन लिखोगे, क्लास 11th में ये रिएक्शन फाइल में भी लिखी होगी, ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी कराई थी। तो एक और डिस्टिंग्विश टेस्ट हुआ कि जब आपको अल्कोहल वर्सेस फिनॉल्स में करना है तो फिनॉल्स न्यूट्रल FeCl3 के टेस्ट देते हैं। इसके बाद आप लोग प्रेजेंटेशन नेक्स्ट क्या करोगे, जो भी आपको अल्कोहल दे रखी होगी उसमें आप क्या बोलोगे, FeCl3 क्या डाला मैंने यार, न्यूट्रल, तो आप लिख कर आओगे नो वॉयलेट कलर। आप गधों की तरह नो रिएक्शन मत लिखाना, तुम्हें थोड़ी पता रिएक्शन होती है नहीं होती, तो सेफ खेलना, सिंपल क्या लिख के आना, नो वॉयलेट कलर ऑप्टेन, ठीक है। जब कंफ्यूज हो जाए हाँ वॉयलेट कलर आ रहा है ऐसे मत लिखना, नो रिएक्शन, क्या पता तुम्हें थोड़ी पता है अगर रिएक्शन हो जाए तो, हो सकता है जो बोर्ड वाला टीचर ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग वाला आ गया तो काट भी सकता है। तो सेफ हमेशा खेला करो, क्या है, नो वॉयलेट कलर फॉर्म, ठीक है। डिस्टिंग्विश टेस्ट हुआ। तीसरा कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल में कवर अप कर चुके हैं। तो फिनॉल्स याद करो, फिनॉल्स जब भी बीडीसी के साथ आती हैं, बीडीसी बोले तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एन ट्रिपल बॉन्ड एन सी एल, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दिस इज माय बीडीसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये क्या करती है, कपलिंग करती है पैरा वाले हाइड्रोजन से। और आप लोगों को पहले भी डिस्कस करा था कि कपलिंग रिएक्शन की मैकेनिज्म हम लोग चैप्टर फोर्थ में करेंगे और बताया था कि सबसे पहले पैरा पोजीशन से कपलिंग होती है, उसके बाद अगर पैरा ब्लॉक्ड हो तो ऑर्थो से, याद आ रहा है पुराने लेक्चर्स। तो चलिए आइए कपलिंग रिएक्शन में हम लोगों ने क्या करा, व्हेन योर बीडीसी रिएक्ट्स विद योर फिनॉल, ठीक है, और पीएच याद करो कितना रखना था, अल्कलाइन 9 2
पीएच आपको 10 रखना था, हीट देंगे तो यहां से एच और यहां से सीएल क्या बना देगी, सिंपल HCl। तो प्लीज प्रोडक्ट क्या बनेगा आप लोगों की, एजोडाइज बनती थी, कपलिंग रिएक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एजोडाई। इसका कलर येलो इश ऑरेंज, मतलब या तो येलो हो सकता है या ऑरेंज हो सकता है, तो आप लोग क्या लिख के आएंगे, येलो ऑरेंज डाई आर फॉर्म्ड। ये क्या है, एजोडाइज है। क्या है एजोडाई, नाम क्या था, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। अरे पहले भी करा चुका हूं, तो आप लोग बोलेंगे सबसे पहले फिनॉल्स ऑन रिएक्शन विद बीडीसी इन अल्कलाइन पीएच 9 to 10 फॉर्म्स येलो ऑरेंज कलर्ड एजोडाइज। दिस टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज एजोडाई टेस्ट। कपलिंग रिएक्शन की वजह से ये कौन सा टेस्ट बन गया बच्चों आप लोगों का, यार एजोडाई टेस्ट बन गया। ठीक है, तीन टेस्ट मैंने क्लियर कर दिए। फिर से आप नीचे लिखोगे अल्कोहल नो एजोडाई फॉर्मेशन, अल्कोहल्स बीडीसी के साथ एजोडाइज की फॉर्मेशन नहीं करती, तो लिखोगे नो येलो ऑरेंज कलर डाई फॉर्म। ठीक है, अब लास्ट चलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, चलिए चौथा टेस्ट अगर आप लोगों को करना है तो वो है आप लोगों का ब्रोमीन वाटर टेस्ट यार। ठीक है, अब ब्रोमीन वाटर टेस्ट कैसे हुआ, कहते हैं जब आपकी फिनॉल्स, याद करो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से ही होगी, जब भी आपकी फिनॉल्स ब्रोमीन के साथ पोलर मीडियम, जो हम लोगों ने लिया था एक्वस मीडियम वाटर, ब्रोमीन वाटर ही तो हुआ है ना यार, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो इसके कितने मोल्स रिक्वायर होते हैं, 3 मोल्स। क्यों, क्योंकि याद करो जब भी पोलर सॉल्वेंट होता है ब्रोमीन के साथ तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है प्लस 3HBr। मतलब जब भी आप फिनॉल्स को ब्रोमीन वाटर के साथ शेक करोगे, मतलब फिनॉल्स को ब्रोमीन वाटर में मिलाओगे, तो आप लोगों को 2.4.6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल मिलेगी यार। और खास बात क्या है कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये टेस्ट है, इसका कलर क्या होता है, ये एक वाइट कलर की प्रेसिपिटेट होती है। तो आप लोगों को ये पता चला कि अल्कोहल्स ब्रोमीन वाटर के साथ शेक करने में कुछ नहीं देंगे, वेयरएज फिनॉल्स जब भी आप ब्रोमीन वाटर के साथ शेक करोगे ड्यू टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये क्या बना देगी, वाइट प्रेसिपिटेट नोन एज 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल टेस्ट। तो ये सबसे पहली बात हुई कि जब आपको फिनॉल्स को किसी भी अल्कोहल के साथ डिस्टिंग्विश करने को आ जाए तो ये 4 करेक्टरिस्टिक टेस्ट आप लोग यूज कर सकते हैं फिनॉल्स के साथ। और सबसे बेटर है कि आप कौन सा टेस्ट यूज करो, ये 3 यूज करना है। लिटमस एक बहुत बेसिक टेस्ट है, ठीक है, हो सकता है वैसे टेस्ट ये भी सही है, बट ये ज्यादातर इसकी कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं दिखा पाते आप लोग, तो इसीलिए मैं ये 3 टेस्ट को फेवर करता हूं। करना है लिटमस भी कर दो, नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं विद इन अल्कोहल्स अगर डिस्टिंग्विश करने को आ गया, यहां थोड़ा सा मुद्दा गड़बड़ हुआ। सेकेंड पार्ट अगर मैं चलूं आज के लेक्चर का कि यार हाउ विल यू डिस्टिंग्विश अमंग 1 degree 2 degree एंड 3 degree, देखो यार क्या है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या यार 1 degree 2 degree 3 degree अल्कोहल। ठीक है, कहते हैं कि कल को आ गया 1 degree वर्सेस 2 degree, देखो यार क्या आ गया, 1 degree की अल्कोहल वर्सेस 3 degree या 1 degree की अल्कोहल वर्सेस 2 degree, सेम ऐसे भी तो हो सकता है कोई 2 degree की अल्कोहल दे दी वर्सेस 3 degree में, मतलब आप लोगों को दे दिया इथेनॉल वर्सेस 2-methyl-2-propanol, तो एक 1 degree की अल्कोहल दे दी और एक 3 degree की अल्कोहल दे दी, ऐसा ना करके ये देखे प्रोपेन 1-ol और प्रोपेन 2-ol। ठीक है, और कल को ऐसे भी तो दे सकता है प्रोपेन 2-ol और 2-methyl-propane 2-ol। तो आप लोग क्या क्या टेस्ट यूज कर सकते हो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज कंपाउंड्स। कहने का मतलब है जब भी आपको विद इन अल्कोहल्स डिस्टिंग्विश करना हो तो मैं आप लोगों को कुछ टेस्ट बता देता हूं, आप ये टेस्ट यूज कर सकते हैं, आपकी अल्कोहल्स बहुत आराम से डिस्टिंग्विश हो जाएंगी।
ठीक है, तो चीज समझ आई। सेकेंड पार्ट में हम लोग विद इन एल्कोहल्स में कैसे डिस्टिंग्विश करें, मतलब अगर हमें दो टेस्ट ट्यूब्स दे दिया और दोनों ही एल्कोहल्स है, बट एक अलग कैटेगरी की एल्कोहल है, दूसरी अलग कैटेगरी की एल्कोहल है, तो मैं कौन कौन से टेस्ट यूज करूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को टेस्ट के नाम बता दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी मैं आप लोगों को प्राइमरली दो से तीन टेस्ट ऐसे बता दूंगा जो साइमल्टेनियसली याद भी हो जाए और टेस्ट भी आसान हो, मतलब ज्यादा लिखना भी ना पड़े यार बोर्ड में, आसानी से टेस्ट भी हो जाए। टेस्ट सारे बताऊंगा पर बता दूंगा कि बोर्ड में कौन सा लिख कर आओगे, सेफ रहोगे। सबसे पहले, सबसे आसान, सबसे सस्ता टेस्ट, लुकास टेस्ट। यार सस्ते का मतलब आसानी से हो भी जाता है, बार बार ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी है, लुकास टेस्ट, ठीक है। दूसरा अगर मैं बोलू दैट इज योर विक्टर मेयर्स टेस्ट, थोड़ा सा लंबा टेस्ट है, और ये टेस्ट विक्टर मेयर टेस्ट नाइट्रो कंपाउंड्स को भी डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है, विद इन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड्स, और आपके एल्कोहल्स को भी डिस्टिंग्विश करने को होता है, ठीक है। एंड थर्ड इज योर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टेस्ट, दैट इज योर आयोडोफॉर्म टेस्ट। आज हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन पे बात नहीं करेंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट पे बात करेंगे कि आप लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट कैसे करोगे, मतलब सिंपल आज हम टेस्ट पे बात करेंगे। आयोडोफॉर्म टेस्ट या आपकी जितनी हेलोफॉर्म्स रिएक्शन है या आयोडोफॉर्म रिएक्शन और उसकी जो मैकेनिज्म है वो मैं थर्ड चैप्टर में डिस्कस करूंगा, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में। मतलब अब आपको ये भी चीज समझ आ गई कि आयोडोफॉर्म्स आपकी लाइफ में दोबारा आएगा, या मैं बोलूं आयोडोफॉर्म टेस्ट आयोडोफॉर्म रिएक्शन थर्ड चैप्टर में भी आएगी, बट आज हम सिर्फ एल्कोहल पे इस लेक्चर को कंस्ट्रेन करते हैं, ठीक है। सिखा भी दूंगा कि आयोडोफॉर्म कैसे होता है एल्कोहल में, ट्रिक भी सिखा दूंगा, और वही ट्रिक हम लोग थर्ड चैप्टर में भी यूज कर लेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले बात करते हैं लुकास टेस्ट पे। यार किस पे? यार लुकास टेस्ट पे मुझे थोड़ा सा एरिया चाहिए होगा, मैं बोर्ड को हटा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा टेस्ट यार आप लोगों का? लुकास टेस्ट, ठीक है। लुकास टेस्ट की खास बात समझो यार, सबसे पहले लुकास टेस्ट के रिएजेंट देखते हैं। लुकास टेस्ट की क्या यार? रिएजेंट पूछ लेता है, वन मार्कर में बोर्ड वाला पूछ लेता है, व्हाट आर दी रिएजेंट्स फॉर लुकास टेस्ट। तो रिएजेंट आपके दो होते हैं, सबसे पहला होता है कंसंट्रेटेड HCl विद सेकेंड रिएजेंट एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। कंसंट्रेटेड HCl विद एनहाइड्रस ZnCl2, और इन दोनों का अगर मैं प्रोपोर्शन बात करूं तो 1:1 प्रोपोर्शन में डलता है, इक्विमोलर मिक्सचर होता है इनका, ठीक है ना यार। तो आप ये बोलोगे लुकास टेस्ट में हम लोग क्या लेते हैं रिएजेंट्स? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। ग्रूव्स में क्या होता था, सेम रिएजेंट होते थे बट HCl गैसियस फॉर्म में यूज होती थी, और गैसियस फॉर्म की जगह मैं कंसंट्रेटेड HCl लिख देता हूं तो ये सेम चीज लुकास टेस्ट बन जाती है। हम लोगों ने अल्कोहल्स में डिस्कस भी करा था, दोबारा करा देता हूं, देख लो, ठीक है। मैं तीन कैटेगरी के अल्कोहल्स ले लेता हूं। सबसे पहले ले ली मैंने 1 डिग्री अल्कोहल CH3CH2OH, ठीक है। नेक्स्ट ले ली मैंने यार CH3 2 मिथाइल O, प्रोपेन टू ऑल, 1 2 3 प्रोपेन टू ऑल हो गई ना यार आपकी, ठीक है, 1 2 3 2 प्रोपेन टू ऑल। नेक्स्ट ले ली 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ठीक है ना, 1 2 3 2 पे मिथाइल और ऑल भी 2 पे, तो 1 मिथाइल और 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। क्या डाला मैंने एरो के ऊपर? लिखा कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, सेम रिएजेंट्स इसमें डाले जब मैं टेस्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, टेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को पता थोड़ी है यार किसमें 1 डिग्री है, किसमें 2 डिग्री है, किसमें 3 डिग्री है, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे से बोलेंगे सर 3 डिग्री अल्कोहल्स तो इतनी रिएक्टिव होती है उसमें एनहाइड्रस ZnCl2 मत डालो। अरे हमें सपने, ठीक है, नॉर्मल अगर कंप्लीट दी रिएक्शन में आई या सिंपल आया तो हमें पता है कि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तो मेरे को इसमें रिएजेंट वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बट ड्यूरिंग योर टेस्ट आपको पता थोड़ी है तो आपको सेम रिएजेंट्स तीनों में डालने पड़ेंगे। तो लुकास टेस्ट करते समय मैं इसमें भी क्या डालूंगा? एनहाइड्रस ZnCl2। अब आप लोगों को बहुत अच्छी से रिएक्शन पता है क्या होगा, OH हटकर Cl लग जाएगा,
तो यहाँ क्या लगाएगा यार, CH3 CH2 Cl plus HCl 1 डिग्री की क्लोराइड, सेम यहां पर 2 डिग्री की क्लोराइड, और सॉरी HCl नहीं निकलेगा, H2O निकलेगा यार, और CH3 CCH3 CCH3 Cl plus H2O, ये 3 डिग्री की क्लोराइड। रिएक्शंस आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, अब डिस्टिंग्विश कैसे करें, कहता है आप लोगों को बहुत अच्छे से ये भी पता है कि 3 डिग्री अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में से 3 डिग्री की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, तो 3 डिग्री की रिएक्शन में इमीडिएट टर्बिडिटी आएगी। क्या आएगी यार, इमीडिएट टर्बिडिटी, आपका सोल्यूशन एकदम से टर्बिड हो जाएगा, व्हाइटनेस लेने लगेगा, रिएक्शन होने लगेगी, बबल्स निकलने लगेगी, टर्बिड सोल्यूशन हो जाएगा, व्हाइटनेस बनाना लगेगा, ठीक है, टर्बिडिटी आ जाएगी। इस रिएक्शन में जो आपकी टर्बिडिटी है वो 5 से 7 मिनट्स के बाद आएगी, हम लोग टाइम डिसाइड नहीं करेंगे, आप लोग ऐसे लिख देना आफ्टर 4 to 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स के बाद टर्बिडिटी आएगी, इमीडिएट टर्बिडिटी नहीं आएगी, 5-7 मिनट्स या आफ्टर 5 to 7 मिनट्स टर्बिडिटी अपीयर्स, ठीक है, क्योंकि ये टाइम आप फिक्स नहीं कर सकते, टेम्परेचर कंडीशन और आसपास की कंडीशन अलग है, तो इसलिए मैं रेंज लेके चलूंगा सेफ्टी के लिए कि 5 to 7 मिनट्स टर्बिडिटी, ठीक है। इसमें नो टर्बिडिटी पर लिख देना आगे, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि जब आप 1 डिग्री को और आगे हीट करोगे तो थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन टर्बिड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो टर्बिडिटी नहीं आएगी, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल इतनी ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती रूम टेम्परेचर पर, तो आप लोग इतनी जल्दी बहुत मतलब इतनी डिले टर्बिडिटी आती है, अगर आएगी तो बहुत ज्यादा डिले, इसलिए मैं बोलता हूँ नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पे क्या, इमीडिएट टर्बिडिटी, जैसे ही आपने ये दोनों रिएजेंट्स यूज करे टर्बिडिटी, इसमें क्या करा 5 से 7 मिनट के बाद टर्बिडिटी आई, इसमें रूम टेम्परेचर पे कोई टर्बिडिटी नहीं आई, और कंफर्म करने के लिए कि अल्कोहल है भी या नहीं आप इसको हीट कर देना, हीट करने के बाद इसमें टर्बिडिटी आ जाती है, अगर प्रैक्टिकली मैं बात करूं, ठीक है, लुकास टेस्ट आप लोगों को क्लियर हुआ। चलिए अब विक्टर मेयर टेस्ट देखते हैं यार, विक्टर मेयर टेस्ट को अल्कोहल्स में मैं इतना फेवर नहीं करता यूज करने के लिए, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिएजेंट्स भी रिक्वायर होते हैं और रिएक्शन बहुत बड़ा होता है, अगर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी हुई, लॉजिकली बात करूं, अगर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी हुई ना यार, तो विक्टर मेयर टेस्ट आप लोगों को याद नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सीरीज है, ठीक है, आप लोग अगर कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या कई बार CBSE में कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन आ जाएगी तो कैसे करोगे, इसीलिए मैं आप लोगों को आज विक्टर मेयर टेस्ट भी करा देता हूं। देखो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपको लिखने को आ गया तो आप लोग वो टेस्ट लिखना ना जिसमें टाइम भी कम लगे और रिएक्शन भी ज्यादा याद हो, ठीक है, तो कोशिश ये करना, या तो लुकास से कर लेना, कोशिश करना डिस्टिंग्विश करने की लुकास से, या फिर तीसरा आइडोफॉर्म टेस्ट सबसे सुंदर सबसे बढ़िया टेस्ट रहता है, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं विक्टर मेयर टेस्ट पे यार, ठीक है, विक्टर मेयर टेस्ट के लिए ना यार, विक्टर मेयर थोड़ी सी सीरीज है टेस्ट की, मतलब काफी सारी रिएक्शन है, तो मैं बोर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड करके आप लोगों को कराने की कोशिश करता हूं, ठीक है। दूसरी चीज, विक्टर मेयर टेस्ट क्या बात बोली थी स्टार्टिंग में ही, कि अल्कोहल वाले चैप्टर में तो यूज होगा, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए तो यूज होगा, साइमल्टेनियसली 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड्स दे रखे हो तो वहां भी आप विक्टर मेयर यूज कर सकते हो, क्योंकि दिखाऊंगा कि बीच में नाइट्रो कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। तो चलिए, विक्टर मेयर टेस्ट एक सीरीज है टेस्ट की, ठीक है ना यार, तो ध्यान से देखना क्या होता है टेस्ट में, ठीक है, विक्टर मेयर टेस्ट। सबसे पहले मैंने 1 डिग्री की अल्कोहल ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, 1 डिग्री की अल्कोहल ले ली, 1 डिग्री की अल्कोहल को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं R CH2 OH, ये 1 डिग्री की अल्कोहल ले ली, ठीक है। नेक्स्ट इस साइड मैंने 2 डिग्री की अल्कोहल ले ली, या इसको ऐसे लिख देते हैं CH CH3 OH और H, ठीक है ना यार, तो ये मैंने 2 डिग्री की अल्कोहल ले ली, इसको लिखना है तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो CHOH यहां पर भी R और उत्तर यहां पर भी R, ये आपकी ये 1 डिग्री की अल्कोहल है और ये मेरी 2 डिग्री की अल्कोहल है,
तीसरी चीज मेरी 3 डिग्री की अल्कोहल। तो 3 डिग्री की अल्कोहल CH3 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 OH, और अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन करूं तो R कितने होंगे 3 C और OH, मतलब ये C 3 R से जुड़ा होगा ना यार, ठीक है ना। तो ये आपकी कितनी डिग्री की अल्कोहल हो गई, मेरी 3 डिग्री की अल्कोहल, सिंपल सॉर्टेड। अब सबसे पहला काम मेरे को इसको आयोडीन में चेंज करना है, आई ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना है OH हटाकर। तो विक्टर मेयर टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले आप तीनों में P+I2 मिलाएंगे, रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ I2, ठीक है। तो I आपका रिप्लेस हो जाएगा, तो आपका कंपाउंड क्या बना, CH3 ब्लैक से लिख देते हैं, क्या कंपाउंड बना आप लोगों का यार, CH3 CH2 I, ठीक है। यहां क्या बना, CH3 CH CH3 और I, और यहां क्या बना यार आप लोगों का, CH3 C CH3 CH3, ठीक है ना यार, ओके की रिपोर्ट है। अब नेक्स्ट आप लोग इसमें क्या डालोगे, AgNO2, ठीक है ना यार। NO2 इज एन एम्बिडियन न्यूक्लियोफाइल, O की साइड से भी अटैक कर सकता है, N की साइड से भी अटैक कर सकता है, और Ag के साथ NO2 बनाता है, K के साथ ONO नाइट्राइड्स बनाता था, याद आ रहा है। तो AgNO2 से मुझे बहुत अच्छे से पता है AgI की PPT आ जाएगी और NO2 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो मैंने सब में क्या मिला दिया यार, AgNO2, ध्यान देना यार प्लीज, ठीक है। तो क्या बना यहां पर, CH3 CH2 NO2, 1 डिग्री का नाइट्रो कंपाउंड। यहां क्या बना यार मेरा, 2 डिग्री का नाइट्रो कंपाउंड, और यहां पर क्या बना यार मेरा, 3 डिग्री का नाइट्रो कंपाउंड। यहां तक तो मामला बिल्कुल सेम है तीनों में, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा, इनिशियली आपको ये ना दिया हो और ये दिया हो, तो आगे की रिएक्शन आप यहां से भी तो कंटिन्यू कर सकते हो। इसीलिए मैंने बोला विक्टर मेयर टेस्ट चाहे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स में यूज कर लो, या 1 डिग्री नाइट्रो 2 डिग्री नाइट्रो 3 डिग्री नाइट्रो को यूज करने के लिए भी, डिस्टिंग्विश करने के लिए भी, तब तो ये प्राइम टेस्ट बन जाता नाइट्रो को डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट नाइट्रस एसिड डालने वाला हूं मैं, होनो HNO2, ध्यान से देख लेना कैसे कैसे रिएक्ट करेगा होनो। होनो का सबसे पहला काम है पानी निकालना, क्या काम है यार सबसे पहला काम, पानी ही निकलेगा इस रिएक्शन में सबसे पहले, और पानी कैसे निकलेगा ध्यान से देखो यार, हमें ये पता है ये N डबल बॉन्ड O O और H से जुड़ा है, ध्यान से देख लेना प्लीज, सीधा डायरेक्ट बता रहा हूं बिना मैकेनिज्म के, याद रहेगी इसीलिए। ये H2 गया, ठीक है, मतलब अल्फा कार्बन जिसपे आपका हेलोजन आपका फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड था, उसके दोनों यहां से खत्म, ये O खत्म, क्या मिला ध्यान से देखो क्या मिला, प्लीज ग्रीन से लिख रहा हूं, क्या मिला, CH3 C, ठीक है। सी पे लग रहा है आप लोगों का NO2 और यहां डबल बॉन्ड NOH, इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड, ये नाइट्रोल्स नहीं होगा, ये क्या है, नाइट्रोलिक एसिड, लिख देता हूं इसका नाम, क्या नाम मिला आप लोगों का यार, नाइट्रोलिक एसिड, ठीक है ना यार। अब नेक्स्ट चलते हैं, या नाइट्रोलिक एसिड कैसे, जब ये डबल बॉन्ड अपने पास लेगा तो ये एच फ्री रहेगा, ठीक है ना यार, ये एच आपका आराम से निकाला जा सकता है, नाइट्रोलिक एसिड है। अब नेक्स्ट इसमें कैसे रिएक्ट हुआ, अब यहां पे देखो यार, इसमें दो एच तो है नहीं पानी निकालने के लिए, तो ये क्या करेगा, ये वाला एच और ये वाला OH चला जाएगा, ठीक है, क्या मिला ध्यान से देखो क्या मिला यहां पर, अब दो मॉलिक्यूल्स तो थे नहीं, तो ये वाला O नहीं जाएगा, यहां से OH चला गया, तो क्या मिला यार आपका, ठीक है, इसकी मैकेनिज्म मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट चली जाएगी इसकी मैकेनिज्म, ज्यादा होगा 4th चैप्टर में जब पहुंचेंगे तब आपको करा देंगे, ठीक है। तो यहां क्या बना आपका, एक NO2 बना, ठीक है ना, ध्यान से देखो, एक आप लोगों को क्या मिला, N डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं सूडो नाइट्रोल्स, दिखने में बिल्कुल इसी के जैसी है पर ये फॉल्स नाइट्रोल्स है, नाइट्रोलिक एसिड नहीं है ये अपना H रिलीज नहीं करेगा, इसीलिए इसका नाम सूडो नाइट्रोल्स पड़ा, ठीक है, सूडो नाइट्रोल्स,
और यहां पर कोई एच नहीं है, ध्यान से देखो, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है जिसको मैं आगे फर्दर ऑक्सीडाइज कराकर पानी बना सकूं, तो प्लीज यहां पर ये कोई रिएक्शन ही नहीं करते। ठीक है, इतना मुद्दा समझ आया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एनएओएच में डिप करेंगे। ठीक है, इसको भी एनएओएच में डिप करा, इसको भी एनएओएच में डिप करा, और इसको भी एनएओएच में डिप करा। ध्यान से देखो, ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये एच और ये ओएच खत्म हुआ, सॉल्ट फॉर्मेशन होगी ना, सिंपल एनएओएच सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, ये रिएक्शन होगी। इसके बाद यहां पे हम लोगों को ब्लड रेड कलर मिलता है, मतलब जब आपकी 1 डिग्री एल्कोहल्स अल्टीमेटली नाइट्रोलिक एसिड में चेंज होकर एनएओएच के साथ रिएक्ट करती हैं, तो 1 डिग्री एल्कोहल्स आपको कौन सा कलर देती हैं, ब्लड रेड कलर इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, इसके बाद ये आप लोगों को नॉर्मल ब्लू कलरेशन देती है, क्या देती है, ब्लू कलर इज ऑब्टेन्ड। और ये आगे फर्दर अगर आप इसमें एनएओएच डालोगे तो एनएओएच यहां पर नो कलर फॉर्म, कोई कलर नहीं देने वाली। तो आई होप मैंने आप लोगों को विक्टर मेयर टेस्ट क्लियर कर दिया होगा। पी प्लस आई टू आई सब्सटीट्यूट करा, एनओ टू सब्सटीट्यूट करा, सबसे अहम स्टेप है नाइट्रस एसिड मिलाना। ठीक है, सबसे पहले 2H था ओ नाइट्रोलिक एसिड, 1H तो यहां से OH सूडो नाइट्रोल्स एन डबल बॉन्ड ओ, कोई रिएक्शन नहीं हुई। एनएओएच डालोगे ब्लड रेड, यहां पे ब्लू कलर, यहां पे कोई कलर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब लास्ट रिएक्शन पे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि है आप लोगों की आइडोफॉर्म। अब कल आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप उसको लुका से नहीं कर सकते यार। अब वो कैसी सिचुएशन है, चलो डिस्टिंग्विश बिटवीन थर्ड पार्ट। आइडोफॉर्म पढ़ाने से पहले समझाना ज्यादा बेटर है कि कब आइडोफॉर्म यूज होगा। अब देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। लो जी, और प्रोपेन भी बता देता हूं, वन ऑल है, याद नहीं जाते बोलो टू ऑल भी तो हो सकते हैं। ठीक है, प्रोपेन वन ऑल, ठीक है ना। अब दोनों ही 1 डिग्री के अल्कोहल, मतलब लुकास से जाओगे कोई टर्बिडिटी नहीं मिलेगी रूम टेम्परेचर, मतलब दोनों ही सेम रिजल्ट्स देंगे ना यार, लुकास से भी और विक्टर मेयर से भी। अब क्या करोगे, अब तो फंस गए। तो अब एक थर्ड तरीके का टेस्ट समझना, दैट इज योर आइडोफॉर्म टेस्ट। टेस्ट में मतलब सीबीएसई वाले का तो फेवरेट टेस्ट है यार, चाहे एल्कोहल्स में आइडोफॉर्म करा ले, चाहे एल्डिहाइड कीटोन्स में आइडोफॉर्म करा ले, मतलब एल्कोहल्स भी आइडोफॉर्म टेस्ट देती हैं और एल्डिहाइड और कीटोन्स भी आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, एसिड्स आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस जो भी हैं वो क्यों देते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि कब आप लोग उस पर आइडोफॉर्म करा सकते हैं, कब नहीं करा सकते, तो प्लीज। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, बेसिक चीज क्या है, एल्कोहल्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स क्या देते हैं आप लोगों का, आइडोफॉर्म टेस्ट। बट सबसे पहले प्राइम कंडीशन क्या है देख लो, हिंदी में लिख रहा हूं प्राइम कंडीशन, कौन सा टेस्ट है यार आपका, आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है ना यार, आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए पहले रिएजेंट्स देख लो, NaOH प्लस आपका आयोडीन, मैं सिंपल आइडोफॉर्म के बारे में बात। अच्छा, इसकी जगह अगर कुछ बुक्स में ये ले रखा हो तो घबराना मत, एक ही बात है। ठीक है, Na2CO3 या तो ये ले लो या ये ले लो। ठीक है, मैं NaOH के साथ कराना ज्यादा पसंद करता हूं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरी चीज, ये तो आप लोगों को रिएजेंट्स पता चल गए कि आपको आपकी अल्कोहल में डालना क्या है, पर कौन सी अल्कोहल आइडोफॉर्म देगी, कौन सी अल्कोहल आइडोफॉर्म नहीं देगी, या मैं बोलूं कौन से कंपाउंड्स आइडोफॉर्म देंगे, उसकी बेसिक सी ट्रिक समझ लेना यार, हिंदी में ही अपने माइंड में फिट कर लेना। देख लो ध्यान से, फंक्शनल लिख लो इसको साथ साथ, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन, देख लो मैं अपनी स्टेटमेंट नहीं चेंज करूंगा, अगर यही चीज एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाऊंगा यही सेम स्टेटमेंट दोबारा रिपीट करूंगा,
क्या बोला? फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ फ्री CH3 होना चाहिए, फ्री मिथाइल होना चाहिए। ठीक है ना? दोबारा देख लो ये कंडीशन, छाप लो अपने मन में। क्या बार बार बोल रहा हूं कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ फ्री मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है? अब बच्चे बोलेंगे हर कार्बन का भैया लास्ट में, मैं लास्ट फ्री मिथाइल, मैं लास्ट मिथाइल की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेसिफिक मिथाइल बोल देता हूं कि वो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होना चाहिए, उसके साथ क्या होना चाहिए? CH3 होना चाहिए। तो आइए रिएक्शंस को बनाते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। छाप लिया इसको मन में, क्या रिएजेंट्स NaOH+I2। दूसरी चीज, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ फ्री मिथाइल लटका हुआ नजर आ जाए, आइडोफॉर्म देगा। अच्छा, आइडोफॉर्म कौन से कंपाउंड्स देते हैं? अल्कोहल्स हो जो हम करेंगे, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स भी आइडोफॉर्म देते हैं। आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन की मैकेनिज्म थर्ड चैप्टर में कराऊंगा। आज का लेक्चर सिर्फ डिस्टिंग्विश टेस्ट पे है, तो मैं केवल रिएक्शन करा रहा हूं। ठीक है? आती भी रिएक्शन ही है CBSE में। CBSE में मैकेनिज्म तो एल्डिहाइड कीटोन्स में भी नहीं आता, बट ठीक है, मैं कराऊंगा एल्डिहाइड कीटोन्स में जब JEE की क्लास चलेगी। ठीक है? तो आज समझते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे होता है, कैसे ट्रिक याद करी जाए और कैसे आइडोफॉर्म को याद करा जाए कि हाँ यार प्रोडक्ट क्या बनाने हैं और साइमल्टेनियसली साइड प्रोडक्ट्स क्या बनाने हैं। बच्चे क्या करते हैं, कंजूसी कर देते हैं ऑर्गेनिक में, साइड प्रोडक्ट्स बनाते ही नहीं है। ठीक है? तुम लोगों को बताया गया होगा कि भैया साइड प्रोडक्ट्स उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन प्रोडक्ट पे फोकस करो या बैलेंसिंग वगैरह मत करो। ठीक है, वो अपने अपने फंडे हैं याद करने के। ठीक है, मैं पूरी चीज बता के जाऊंगा आज। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या था? हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल? ठीक है ना? इन दोनों में आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? मतलब एक टेस्ट ट्यूब में आपको इथेनॉल दे दी और एक टेस्ट ट्यूब में प्रोपेनॉल दे दी, तो दोनों ही कलरलेस होती हैं। आप देख के तो वैसे ही नहीं बता सकते। लिटमस का टेस्ट भी सेम होगा, लूकास करोगे वो भी लगभग सेम होगा, विक्टर करोगे वो भी ब्लड रेड कलर दे, वो डिस्टिंग्विश कैसे करा जाए? यू विल से दे कैन बी डिस्टिंग्विश बाय आइडोफॉर्म टेस्ट। अब आधे लोगों को ये समझ नहीं आया कि मैंने पहचाना कैसे कि आइडोफॉर्म टेस्ट से होगा। यार देखो, सेम कैटेगरी की अल्कोहल है और कोई टेस्ट बचा ही नहीं है, आइडोफॉर्म टेस्ट। अब इन दोनों में से कौन आइडोफॉर्म देगा? फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ। अच्छा, मैं ये काइल कार्बन नहीं मार्क कर रहा, एक अलग सिंबल बना देता हूं। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ क्या लटका होना चाहिए? फ्री मिथाइल। इसके साथ क्या लटका है? CH2। दैट मींस ये आइडोफॉर्म नहीं देने वाला। सबसे पहले तो सेलेक्ट कर लिया करो कि कौन आइडोफॉर्म देगा, कौन है। लिखते समय डालोगे तो दोनों ही रिएजेंट्स एक टाइम पे ना यार, बट हमें पता होना चाहिए कि आइडोफॉर्म मैंने क्यों लगाया, क्योंकि प्रोपेन वन ऑल में लिखे हुए आपको पता है यहां पे CH3 नहीं होगा, CH2 होगा, यहां पे CH3 होगा, तो ये आइडोफॉर्म देगा। ठीक है? क्योंकि आपको बताएगा हाउ विल यू डिस्टिंग्विश इथेनॉल और प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल में फ्री मिथाइल है ही नहीं, इसमें फ्री मिथाइल है। तो आइए रिएक्शन बनाते हैं और रिएक्शन का तरीका समझते हैं आइडोफॉर्म का। चलो, सबसे पहले अपन ने क्या लिया यार? इथेनॉल ली। ध्यान से देखते चले जाना, जो जो चीज बोलूं उसको लिख लेना, ट्रिक को काम आएगी। क्या मिलाया यार? NaOH और गुरुजी I2। ठीक है ना? और हीट करते हैं थोड़ा सा, इनडायरेक्ट हीट जरूर देते हैं। ठीक है? वार्म करते हैं, थोड़ी सी हीट देते हैं। अब इसके बाद, ठीक है, थोड़ा सा लिख देता हूं ना, वार्म। तो बहुत ज्यादा हीट मत दे देना, थोक दोगे तुम, भरोसा मुझे। ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये क्या था? फ्री मिथाइल, इसको पिक कर लो, ये फ्री मिथाइल था। ठीक है? पहले ट्रिक समझना, मैकेनिज्म थर्ड चैप्टर में समझाता हूं, मुझे ज्यादा फर्क नहीं है मैकेनिज्म में। क्या था ये? मेरा फ्री मिथाइल, रिएक्शन याद करनी सीखो, फ्री मिथाइल था, इसको उठाकर आइडोफॉर्म में चेंज कर दो। अब आधे ज्यादा आइडोफॉर्म को पता है क्या लिखेंगे? CH3I। अबे वो आइडोमीथेन है, मैं आइडोफॉर्म की बात कर रहा हूं। जैसे क्लोरोफॉर्म CHCl3, वैसे ही आइडोफॉर्म किसमें चेंज हो गया है? ये
CH3 किसमें चेंज हो गया, बैलेंस बाद में करवाऊंगा, आयोडो फॉर्म में चेंज हो गया। कौन जो फ्री मिथाइल था वो किसमें चेंज हो जाएगा यार, आपका आयोडो फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है, फ्री मिथाइल आयोडो फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब कितने कार्बन बचे, मतलब इसको तो हमने यूज कर लिया, अब कितने कार्बन बचे, एक कार्बन बचे। ये एक तरीके की ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, तो बचे हुए कार्बन अपने रिस्पेक्टिव एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये यहां पे खत्म, एक कार्बन जो फ्री मिथाइल था उसको हाइड कर लिया, ठीक है, वो हाइड्रो फॉर्म में चेंज हो गया। उसके बाद कितना कार्बन बचा, एक कार्बन बचा, वो कार्बन किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा आप लोगों का, ध्यान से देखो, वो कार्बन आप लोगों का एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और एक कार्बन का एसिड क्या होता है, HCOOH फॉर्मिक एसिड, बट NaOH इसको ऐसे रहने नहीं देगा, तो सॉल्ट्स बनते हैं आपके रिमेनिंग एसिड के, ठीक है। प्लस हमारा दहेज पानी और आप लोगों का MaI निकलता ही निकलता है, प्लीज ध्यान से देखो, NaOH प्लस I2, ठीक है, CHI3 NaI, ओके, और HCOONa, ये आप लोगों की बाय प्रोडक्ट्स निकल कर आएगा, ठीक है। क्या सीखा आप लोगों ने, कि जो भी आपका रिमेनिंग एसिड है, ओ सॉरी रिमेनिंग कार्बन है, यहां पे ये वाला कार्बन बच रहा था, बस यही वाला कार्बन तो बच रहा था ना यार, इसको किसमें चेंज कर दो, उसके एसिड के सॉल्ट में, तो मैंने एक कार्बन का एसिड का सॉल्ट बना दिया। फ्री मिथाइल किसमें चेंज हो गया, CHI3 में, ठीक है ना यार, और ये किसमें चेंज हो गया यार आपका, H2O और Na, ठीक है ना यार, ओके, यहां 6 यूज होगा तो यहां पर 5 NaI आएगा, यहां पर 3 और 5 8, तो यहां पर कितना I2 यार, 4 I2 और कार्बन, अगर मैं NaOH की बात करूं तो ये बचेगा मेरा पानी, कितना गया यार अपना HCOONa, 5 ही बचना चाहिए यार, 5H2 आएगा, ठीक है ना यार। तो यहां से आप लोगों को आइडो फॉर्म की रिएक्शन समझ है। चलो एक और करते हैं, प्रोपेन वन ऑल और प्रोपेन टू ऑल में आ गया, ठीक है, आप लोग बोलोगे सर लुकास से भी कर सकते हैं, हाँ इसको आप लुकास से भी कर सकते हो क्योंकि अभी दो अलग अलग कैटेगरी की है, बट ठीक है आइडो फॉर्म से भी कर सकते हैं, देखो कैसे, दिस इज योर प्रोपेन वन ऑल एंड दिस इज योर प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। सबसे पहले क्या, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के पास, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है ना यार, इसके पास क्या लटका होना चाहिए, CH3, देखो इसके दोनों साइड CH3 लग रहे हैं, तो ये देगा, तो मैंने इसको पिक कर लिया, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन था, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन था, इसके साथ CH2 लगाया, तो ये तो नो आइडो फॉर्म जी। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, आइडो फॉर्म में जो आइडो फॉर्म होती है उसकी येल्लो पीपीटी होती है, तो आप नीचे लिख कर आओगे येल्लो पीपीटी ऑप्टेन, आइडो फॉर्म इसीलिए करते हैं हम, क्लोरोफॉर्म टेस्ट और ब्रोमोफॉर्म टेस्ट नहीं करते, आइडो फॉर्म टेस्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि आइडो फॉर्म की येलो पीपीटी करेक्टरिस्टिक पीपीटी आती है, ठीक है ना। तो चलिए ये फ्री मिथाइल था, रिएजेंट्स क्या डालें, NaOH प्लस I2, क्या बताया था, जो CH3 है उसको किसमें चेंज कर दो, आइडो फॉर्म में, और इसके नीचे लिख कर आना येलो पीपीटी प्लस, ठीक है। बचे हुए कितने कार्बन है, देखो एक और दो कार्बन बचे हुए हैं, ठीक है, दो कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एसिड में, तो दो कार्बन का एसिड, एच नहीं आकर उसका सॉल्ट आएगा क्योंकि आपका अल्कलाइन बेसिक मीडियम में NaOH, साथ में आप लोगों का H2O और NaI आएगा। प्लीज देख लो, छाप लो, काफी इंपॉर्टेंट है, और यहां पर लिख के आना, रिएजेंट डालना NaOH प्लस I2, नो आइडो फॉर्म या नो येलो पीपीटी फॉर्म, ठीक है। प्लीज ईथर्स की सीरीज तब तक नहीं शुरू करूंगा जब तक सारे बच्चे अल्कोहल फिनॉल्स की सीरीज खत्म करके अपना असाइनमेंट पूरा नहीं करोगे, आगे चल के कोई फायदा नहीं है, मैं वो काम नहीं कराना चाहता जो बाकी सब करा रहे हैं, भाग रहे हैं, फॉर्मेलिटी हो रही है लॉकडाउन में, नहीं बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो मेरे साथ, तो प्लीज साइड बाय साइड अल्कोहल्स की वीडियो देखो। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं नहीं आगे चलने वाला, फिर तो करते रहना जो स्कूल वाले करा रहे हैं।
अल्कोहल फिनॉल्स को प्लीज जल्दी से जल्दी खत्म करो, असाइनमेंट बनाओ, पूरा असाइनमेंट जो बंद दे रखा है उसके सवाल बनाइए और मुझे सबमिट करो व्हाट्सएप पे। और जो बाकी बच्चे जो अभी तक योगी सर के साथ नहीं जुड़े हैं, प्लीज वो मेरे से असाइनमेंट लेना चाहो तो मेरे को फोन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिलेंगे, डिटेल्स मिलेंगी जिससे आप लोग मटेरियल मेरे से ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज जो आएगी वो ईथर्स की आएगी। ठीक है, आज प्लीज टेस्ट पे ध्यान देना, अच्छा टॉपिक था आज का, नई चीज आप लोगों को सीखने को मिली कि आप लोग एल्कोहल्स में टेस्ट कैसे करोगे। फिनॉल्स के 4 टेस्ट कराए, विद इन एल्कोहल्स के 3 टेस्ट कराए, सेम कैटेगरी की एल्कोहल आ गई तो हाइड्रोफॉर्म ही होगा उसमें, और कोई आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है। आज के लिए इतना ही, घर रहें, सेफ रहें। ठीक है, थैंक यू।